Assalamualaikum and hi to everyone. आज की वीडियो में मैं ये क्लैरिफाई करूँगा कि पी आर और सिटीज़नशिप में क्या फ़र्क है और किसका क्या बेनिफिट है सो so ये पार्ट टू है मेरी पहली वीडियो का जिसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स और ये बताया था कि आपको वर्क परमिट पी आर और सिटीजनशिप कैसे मिल सकता है फिनलैंड में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए वो डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर लिंक भी आ रहा है उसका इट विल हेल्प यू अलॉट और आपकी काफी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी उससे तो आज की वीडियो एक कम्पेरिजन है के दोनों को क्या एडवांटेज है और क्या डिस so, कुछ ब्रीफली मैंशन कर दू पी आर और सिटीजनशिप के बारे में बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स बट यू नीड फिनिश लैंग्वेज स्किल और फिनिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेशन लेकिन दोनों के जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर या अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे या फ्री एजुकेशन तो ये सब बेनिफिट्स दोनों में ही सेम हैं तो पहले मैं बात करूंगा पीआर के बारे में पीआर इज जस्ट लाइक एन इनडेफिनेट स्टे इन अ कंट्री इसको आप एक आरपी ही एज्यूम कर लो जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती अगर आपने फिनलैंड में चार साल टाइप ए पे गुजार लिए हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर पी आर एंड यू डोंट नीड फिनिश लैंगवेज फॉर इट इसका एडवान्टज ये है कि आप फिनलैंड में जब तक चाहो रह सकते हो लेकिन अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज के लिए ना आई वॉक अबाउट सिटीजनशिप कि यह बेहतर ऑप्शन क्यों है जब आप सिटीजनशिप लिए अप्लाई करते हो अगर और जब आपकी अप्लीकेशन अप्रूव होती है तब आपको फिनलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है और उसके बेस पे आप दुनिया में ट्रैवल कहीं भी कर सकते हो फ्रीली दुनिया में अराउंड 180 एटी कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो विद आउट वीजा आपने सिर्फ टिकट परचेज करना है बैक पैक करना है और निकल पड़ना है लेकिन ये ऑप्शन पी आर में नहीं पी आर में आपके पास आपकी ओरिजिन कंट्री का पासपोर्ट होता है तो सारे रूल्स पर वही होते हैं जो आपके लिए पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट पर होंगे अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप किसी दूसरी ईयू कंट्री में फ्रीली मूव हो सकते हो लेट्स से अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हो देन यू जस्ट गो टू जर्मनी आप जाके वहाँ पे जिनका लोकल मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है वहाँ जाके ख़ुद को रजिस्टर करवाओगे और जाके काम करो स्टडीज करो रहो इट टू यू अगर आपके पास सिटीजनशिप है देन वो आपके बच्चों को भी आराम से मिल जाती है लेकिन आपका स्पाउस उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन माय ओपिनियन इट्स गुड टू गो फॉर सिटीजनशिप क्योंकि इससे आप काफ़ी हैसल से बच जाते हो खबारिश बच जाते हो आपके पास यहाँ का पासपोर्ट होगा आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो फ्रीली अगर आपको विद इन ई कहीं मूव होना है तो उसमें भी मसला नहीं होगा आपको तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो अब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं मैं सिर्फ टिकट परचेज करता हूँ चीपेस्ट डेट्स पे और बैक पैक किया और निकल पड़ा मुझे अब वो खबर नहीं होती कि यार वीजा आएगा नहीं आएगा वीजा चेक करो और आपकी सिटीजनशिप रिवोक नहीं होती अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो लेकिन पी आर रिवोक हो जाती है अगर आप कंट्री में दो तीन साल नहीं रहो तो इट्स बेटर कि आप जबान का टेस्ट पास करो इस लेवल थ्री यू क्यू लेवल थ्री क्योंकि पास हो जाता है आराम से अगर आप साल डेढ़ साल से पढ़ रहे हो तो आपकी इनिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आराम से पास कर लोगे सो माई एडवाइस ऑलवेज गो फॉर सिटीजनशिप आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है ट्रैवलिंग आसान हो जाती है सो so होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं मुझसे आज के लिए इतना ही सी यू इन अदर वीडियो बाय टेक केयर एंड अल्लाह